अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से, सही 9 बजे हैं देखिए। और अभी अभी गए हैं सब। रियान चला गया था 6:45, सानी गई 7:30 बजे, और ये अभी गए हैं 9:15 बजे। तो मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ। मैंने उठी पर नमाज पढ़ी थी, मुझे नींद आ रही थी, कुरान शरीफ में पढ़ नहीं पाई, तो फिर मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए। रियान ने मुझे उठा दिया 6 बजे। उसने ना अपना उसका लंच बनाया, चाय वगैरह दी उसे बना के, वो चला गया। फिर सानिया का लंच तो लेके नहीं जाती, लेकिन एक रोटी खा के जाती है, रोटी पराठा जो भी खाएगी। चाय बनाई उसके लिए, उसके लिए एक रोटी बनाई, वो खा के चली गई। फिर इनकी तैयारी लंच ही करी, तो अब इनका लंच बना के दे दिया और चाय वगैरह पी के अब वो चले गए। अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। सबसे पहले पढ़ूंगी कुरान शरीफ, पहले डाल के आ जाती हूँ। कपड़े तो मैंने कल कपड़े धोए थे, वो सूखे नहीं, क्योंकि ड्रायर वाली जो मशीन है ना वो खराब हो रही है, तो सूखे नहीं थे कपड़े। ऐसे डाल के आ गई तो कुछ सूख गए, कुछ गीले रह गए। जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना वो गीले हो जाते हैं, और जो वैसे कपड़े हैं जो हल्के कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। और पंखा मैंने बंद कर दिया था ताकि आवाज़ सही से आ जाए, इसलिए मुझे पसीने आ रहे हैं। तो पहले कपड़े डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ूंगी मैं पहले कुरान शरीफ। मैंने कुरान नहीं पढ़ा था सुबह, और उसके बाद लगूंगी मैं काम पे सारा। काम मेरा सब ऐसे ही फैला हुआ है, जब जाते हैं घर में तो सारा कुछ ऐसे ही फैला के छोड़ जाते हैं। पूरे बेड पे कहीं रिमोट है एसी का, कहीं वर्ड्स की डिब्बी है, कहीं पानी की बोतल, कहीं बुक, सब कुछ ऐसे फैला दिया। और अभी ये मुझे सफाई करनी है पहले। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही हो रही है। कब से इतने सारे कपड़े पड़े हैं, ये वाले जो जींस वगैरह ना ये गीली रह गई, और ये वाले कपड़े सूख के सारे ऐसी रात ला के डाल दिए थे मैंने। पहले इन्हें सुखा के आ जाती हूँ, और फिर ये भी मैं तय बना के रखूँगी, प्रेस करूँगी कल। और ये कपड़े कटिंग के रखे हैं, जो मैंने कल कटिंग करी थी, ये मुझे कपड़े सीने हैं अभी। तो पहले फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी सिलाई। और मुझे भी अपना एक सूट सीना है, ये सूट मैं लेके आई थी कॉटन का, तो मुझे ये भी सीना है। गर्मियों में ना बहुत अच्छे होते हैं, कॉटन का दुपट्टा है इसके साथ, तो मुझे ना ये भी सीना है। ये पैंट है, ये दुपट्टा है, और ये सूट है। तो मैं अभी ना ये भी कट करके सीऊंगी, सबसे पहले निपटा लेती हूँ काम अपना। तो गाइस ऊपर की धूप देखिए, ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़ धूप निकल गई। मतलब आप कई दिनों में, 2-3 दिन में आज बहुत तेज़ धूप निकल गई, वरना तो बारिश बारिश हो रही थी ना, तो उसकी वजह से ना घटा वटा रहती थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी होकर थोड़ी देर में बस थोड़े से ही कपड़े थे, लेकिन हालत पसीने पसीने इतना हमका मेरा फेस, बहुत ज़्यादा धूप में नीचे आ गया पूरा। सो गाइज ये भिगो दिया है मैंने कपड़ा पानी में। जब मैं कपड़ा जो सिलती हूँ ना, सबसे पहले उसे पानी में डाल देती हूँ, ताकि जो कपड़ा मतलब सिकुड़ना होता है ना या ढीला होना होता है, तो वो पानी में डालने के बाद परफेक्ट रहता है। उसको सिलने के बाद जब धो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आती कि ढीला हो गया या सिकुड़ गया, तो ख़राब नहीं होता। तो उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ लिया, क्योंकि जब मैं सुबह कुरान शरीफ नहीं पढ़ती हूँ तो सबसे पहले सबके जाने के बाद ना बस मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। पहले अगर नमाज पढ़ कर नहीं पढ़ पाती हूँ तो बाद फिर काम होता है, तो फिर तो फ्री हो जाती है, तो पहले पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद लगा लिया बालों में तेल अपने काफ़ी सारा, तब तक मैं अपना काम वगैरह करूँगी 2-3 घंटे। वैसे तो मैं रात को लगाती हूँ तेल, लेकिन रात को नहीं लग पाया था, तो मैंने ना अभी सबसे पहले बालों में तेल लगाया है, और नारियल का तेल मैं लगाती हूँ बालों में। पहले इतने बाल मेरे टूट रहे थे ना बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जब से ना मैंने नारियल का तेल यूज़ करा अपने बालों में, तो मेरे बाल रुक गए, मतलब कि कम झड़ रहे, वरना पूरे के पूरे बाल मेरे निकल रहे थे। तो तेल लगा के और अच्छी तरह से जूड़ा बांध लिया कस के, तब तक मैं काम करूंगी अपना 1-2 घंटे के लिए, तब तक मेरे बालों में ना तेल अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और अब लगी हूँ क्लीनिंग करने के लिए। मैं सबसे पहले ना बेड कमरे की क्लीनिंग कर दूंगी, जो बेड पर सामान रखा हुआ है वो सारा हटाऊंगी, डस्टिंग करूंगी, और जब करूंगी मैं सारा काम। और आज कई दिनों बाद ना धूप निकली है, नहीं तो वरना मौसम ना घटा, गर्मी तो बिल्कुल बराबर प्रॉपर हो रही है, गर्मी कम नहीं हो रही है, लेकिन जो धूप नहीं थी इतनी, घटा कभी बारिश कभी धूप कभी ऐसा हो रहा था मतलब। और जब बारिश आ जाती है ना, बारिश होने के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम उमस होती है ना, उस टाइप की गर्मी हो जाती है। गर्मी तो कम हो रही नहीं है, लेकिन आज ना थोड़ी धूप निकली थी, और कपड़े 2-3 दिन में मेरे कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो रही है, जो
सुखाने वाली है ना वो मशीन मेरी खराब हो रही, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही धो के सुखा दे। 2 बार मैंने ठीक भी कराई है, लेकिन दोनों बार ना पता नहीं कैसे मोटर ना उसकी शॉर्ट हो जाती है और फूक जाती है। तो देखो अभी क्या करती हूँ, नई लेती हूँ या फिर दोबारा से देखती हूँ इसे ठीक करा के। तो बस वही कपड़े ना 2 दिन में सूखे हैं, कुछ जो कपड़े सूख गए थे वो अलग कर दिए थे, जो गीले वाले कपड़े थे वो मैंने रात ला के अलग रख दिए थे, और अभी धूप में डाल के आई हूँ उन कपड़ों को। और कपड़े सूख जाओ या गीले रहो तो पता नहीं क्यों, कपड़ों में मौसम ऐसा चल रहा है ना चौमासे कैसा, तो इस वजह से कपड़ों में ना स्मेल रहती है, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद थोड़ी सी वो हो जाती है। तो कपड़े जो बचे हुए थे वो मैं सुखा के आ गई हूँ, और जो यहाँ कपड़े रखे हुए थे इनकी मैं ना तय करके रख दूंगी अभी ऐसे ही, क्योंकि बिखरे हुए थोड़े अजीब से लगते हैं, तो पहले तय करके रख दूंगी, प्रेस कर लूंगी बाद में, जब जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं प्रेस कर लूंगी सारे कपड़ों। प्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन क्या करूँ, करनी तो मुझे ही पड़ेगी, कोई और तो करेगा नहीं। तो सारे कपड़े तय कर दिए, और अभी ना ये संगवाना ही चल रहा है, पहले वो बाहर वाला रूम करके आई थी, अंदर वाला मतलब ये बाहर वाला कर रही हूँ। सारे कपड़े मशीन पे जो स्टिचिंग वगैरह करती हूँ सारा ऐसे ही फैल जाता है स्टिचिंग में, तो वो वाला रूम भी पहले संभाल दिया, अंदर वाला भी क्लीन कर दिया, और अभी आ गई किचन में। किचन में भी जो सब तीनों का लंच वगैरह पैक करके दिया था दोनों का, सानिया का तो लंच नहीं किया, सानिया खा के गई थी। तो उसके बाद ना बहुत सारा जो फैल जाता किचन में भी, तो किचन को सबसे ज्यादा देर ना मुझे संभालने में लगती है चीजों को, इधर से उधर जो फैली होती है ना सब, अपनी अपनी जगह एडजस्ट करना सामान को, तो उसमें टाइम लगता है। जो सब्जी बची हुई थी कुकर में वो भी निकाले कटोरी में कर दूंगी, थोड़ी सब्जी थी उसकी वजह से पूरा कुकर ना घिरा हुआ रखा रहेगा, तो सब्जी को भी निकाल के रख दिया। दोपहर में तो लंच में और ही कुछ बनेगा, तो सब्जी निकाल के रख दी है, और अभी करूंगी किचन की क्लीनिंग में सबसे पहले। और आटा ना मैंने पहले आटा जो पिस के आया था ना, आटा काफी सारा आटा पिसवा लिया था मैंने एक कट्टा भर के, तो वो इस वाले मेरे जो इसमें आया नहीं था तास में जो ये आटा भरने का है, तो जो बचा था ना मैंने ये वाले डब्बे में डाल के रख दिया, जो चावल के चीनी के डब्बे हैं ना मेरे, तो मैंने जो बचा हुआ था आटा इसमें खाली था ये, तो मैंने इसमें भर के रख दिया था। और अब ये वाला आटा खत्म हो गया था इसका, तो मैंने वो वाला आटा भी निकाल के और इसी में डाल दिया, ताकि वो वाला डब्बा भी खाली हो जाए, कुछ सामान वगैरह उसमें रखना होगा तो मैं रख दूंगी। और ये अच्छी तरह से जब, इसलिए मैंने आटा पहले इसलिए भरा है, जब आटा भरते हैं तो थोड़ी धूल सी उड़ती है, सफेद सफेद जो आटा उड़ता है तो वो सारे में ना चिपक जाता है, जैसे गैस ना ये ब्लैक कलर का शीशा है गैस का, तो इस पर अलग ही दिखाई देगा। तो मैं गैस वगैरह बाद में ही साफ करूंगी, पहले आटे को मैंने भर दिया था, और सारे बर्तन जो मैंने रखे हुए हैं ना धुले हुए पहले वो लगा दूंगी, और उसके बाद करूंगी गैस को क्लीन। आज ना कल मैंने कल परसों ही गैस को साबुन से लगा के धोया था, मतलब जो बर्तन साफ करने का जूना होता है ना, तो जब बर्तन साफ कर रही हूँ उसी को ना मैं गैस पे भी लगा देती हूँ, तो आज ना वो सर्फ साबुन नहीं लगाऊंगी, आज ऐसे ही गीले कपड़े से ही मैं गैस को साफ कर दूंगी, तो अच्छी तरह से ना साफ हो जाएगी। साफ होने के बाद ना बहुत अच्छी क्लीनिंग अच्छी लगती है, जो काला शीशा वैसा गंदा होता है जल्दी तो बेकार भी लगता है, साफ होने के बाद ना अच्छा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो आज ना मैंने ऐसे ही गीले कपड़े से साफ कर दिया इसको, वरना ये जो स्टील के है ना इसके अंदर, ये मैंने अच्छी तरह से जूने से साफ करे थे, सर्फ साबुन लगा के मतलब अच्छी तरह चमका दी, थोड़ा बहुत दूध चाय निकल ही जाती है, कितना भी अच्छी तरह से काम कर लो तो हो ही जाता है ऐसा। तो मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया है, एक बार गीले कपड़े से कर दिया, और अभी दोबारा से ना सूखे कपड़े से पहुंच दूंगी इसे, और एकदम से ना चमक जाएगा। और बस इसके जो स्टैंड है ना वो भी साफ करके लगा दूंगी, और उसके बाद 2-4 बर्तन जो है बचे हुए हैं वो धोऊंगी, और फिर करूंगी, फिर बाद में ना काम रह जाएगा, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाने का, डस्टिंग करने का। तो यही रहता है बच्चों के जाने के बाद के, जो ये मेरा रूटीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो घर की 9 बजे से और 10-11 बजे तक की क्लीनिंग है, जो 2 घंटे में मेरा काम हुआ है, आपको तो मैं 8-10-11 मिनट में ही दिखा दूंगी, लेकिन पूरे प्रॉपर 2 घंटे लगे थे इसे करने में। अच्छी तरह से करो तो 2-2.5 घंटा कहीं नहीं जाता है काम करने में। तो बस वही लगी हुई हूँ, और गर्मी में हालत हो रही है ख़राब, पसीने पसीने पूरी हो रही हूँ, और ये बोतल भी पानी के मैंने धो दी थी, तो इन्हें भर के फ्रिज में डाल दूंगी। और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल ना गर्मियों के टाइम में इतनी आती है कि कोई दिन खाली जाता होगा, जो 1-2 बोतल आती रहती है, तो काफ़ी सारी बोतल हो जाती है, तो मैंने यही भर के फ्रिज में डाल देती हूँ पानी, तो काफ़ी सारा पानी इनमें आ जाता है, तो बस वही भर के रख दी किचन में, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, एकदम से क्लीन हो जाएगी मेरी किचन। और ये जो डब्बा आटे का था ये भी मैं धो के इसे भी रख दूंगी, फिर इसमें ना कुछ चीनी या चावल वगैरह आएंगे तो फिर ऐसे ही निकाल के रख दूंगी मैं, और काफी सारा टाइम लग जाता है किचन में। तो बच्चों के जाने के बाद मैं अकेली रहती हूँ, तो क्या कुछ करना, इन्हीं में अपने काम में ही अपना टाइम निकाल देती हूँ मैं। और अभी तब तक 11 बजे के तक मेरा काम निपटेगा, उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, फिर वही लंच का टाइम हो जाएगा, लंच वगैरह बनाऊंगी, तो बच्चे आएंगे, रियान आएगा 2:45 बजे, और सानी आएगी 2:30-3 बजे तक आती है सानी, तो तब तक मैं ना जो रोटी वगैरह बनाने के बाद ही मैं नहाती हूँ, नमाज से मतलब 1:15 बजे तक मैं रोटी बना देती हूँ 1:15 बजे तक, और फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ, क्योंकि जब नहा धो के रोटी बनाओ तो फिर पसीने पसीने हो जाते हैं, तो रोटी बना के नहा के जब ही मैं जो फिर नमाज पढ़ती हूँ, तो उससे ना ये है कि फिर एसी चला लेते हैं 2 बजे के बाद में, तो फिर 5-6 बजे तक ना आराम से पसीनों की दिक्कत नहीं होती, फिर 6-7 बजे के बाद ही घर से अंदर से निकलती हूँ बाहर,
जब शाम का 4 बजे का टाइम हो जाता, तो बस यहाँ पे पोछा लगा दिया और जो कपड़ा मैंने भिगोया हुआ ना बाथरूम में पानी में, अभी पोछा लगाने के बाद वो भी ऊपर डाल के आ जाऊंगी, सुखा के आ जाऊंगी, मतलब फिर तो प्रेस करके कट भी करना है, वो जो कपड़े मैंने डाले हुए थे ना सुबह वो वाले कपड़े जो डाले हुए थे वो लेके भी आ जाऊंगी, वो सूख गए हैं जो मैंने पानी में डाले हैं वो लेके आ जाऊंगा। और देखिए पूरा घर मैंने अपना दिखा दिया आपको, पूरा घर क्लीन हो चुका है मेरा, रूम भी झाड़ू पोछे सब हो गए, किचन वगैरह सब अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह करके पूरा काम फिनिश कर लिया है, एकदम सब हो गया साफ सुथरा। अब चलते हैं ऊपर, जो कपड़े सूख गए वो लेके आ जाती हूँ और जो कपड़े मैंने पानी में डाले हैं वो सुखा के आ जाती हूँ। दो पैंट के अस्तर हैं, मतलब जो पैंट सिलनी है मुझे उनका अस्तर भी पानी मैंने साथ डाल दिए थे, ये सुरमई वाला और ये मस्टर्ड वाला पीला वाला, मतलब तो ये मैंने ना दोनों चीज एक साथ ही पानी में डाल दी थी तीनों चीज, तो मैं तीनों को ना यहाँ पे सुखा दूंगी, फिर मुझे ना प्रेस करके और करूंगी फिर मैंने कट, तो प्रेस करने के धुलने के बाद ना फिर जैसा है वैसा ही रहेगा, ना ढीला होगा ना टाइट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो मैं जो कपड़े कभी भी जल्दी जल्दी में सिल जाते हैं ना ऐसे, तो बाद में ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फिर उन्हें उधेड़ो टाइट हो जाते हैं कपड़े, फिर उन्हें उधेड़ के दोबारा करो तो वो वाली जो फिनिशिंग होती है एक बार में वो आती नहीं है, तो इसलिए ना मैं जो अपने कपड़े होते हैं मेरे अपने होते हैं खुद के ना वो मैं डालती हूँ पानी में, वरना जो सिलाई के होते हैं तो वो मैं नहीं डालती पानी में, वो तो वो जैसा वो देके जाते हैं वैसा ही मैं ना काट के लगा देती हूँ, लेकिन जो अपने होते हैं ना वो पानी में डालती हूँ मैं। तो चलिए अब जो शायद से कपड़े सुखा के जाके फिर जो नहाऊंगी धोऊंगी वही अपना काम रूटीन चलता ही रहता है पूरे दिन। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आपसे।